कैसे आप सभी लोग? आज एक बार फिर हम अपनी सक्सेस स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं आप सभी के बीच में, और आप सभी के बीच से ही निकल करके मैं हमेशा कहता हूँ कोई ना कोई बच्चा यहाँ पर आता है और वो हमारी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा होता है। तो उसी सक्सेस स्टोरी के क्रम में, उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे, ठीक है, रिसेंटली सेलेक्टेड जमशेद आलम की। ही गॉट रिकमेंडेड फॉर TS एंट्री, ना टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे और इसके बारे में अवेयर होंगे। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम TS 50, जहाँ पर सिलेक्शंस रेयरेस्ट होते हैं या कम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटर्न एंट्रीज, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड तालियां क्लैप करते जा रहे हैं जमशेद की। जो हिस्ट्री है पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी, वो मेरे आंखों के सामने से गुजरी है पूरी, क्योंकि एक साल नहीं हुए हैं अभी पूरे, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, एक साल पूरा, जो 12 महीने का जो टेन्योर था वो अभी कंप्लीट होने वाला है। और इस 12th मंथ के दौरान, पूरे 12 महीने 11 महीने के दौरान बच्चे ने किस तरीके से अपने इस लक्ष्य को जो है फाइनलाइज किया है, टारगेट किया, हिट किया है, अंजाम दिया है, वो पूरी तरीके से हम लोगों की आंखों के दौरान गुजरा है सामने से। चाहे वो बच्चे का NDA रिटर्न एग्जाम रहा, वो भी बच्चे का रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ था, रिटर्न एग्जाम भी बच्चे का NDA क्वालिफाई हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था बच्चा, और अगेन TS एंट्री में गया कुछ दिनों बाद, 15 दिन के बाद इसकी TS एंट्री थी और उसमें ही गॉट रिकमेंडेड। तो जो सफ़र था, वो स्ट्रगल जो था इस बंदे ने, इस बच्चे ने जो फेस किया वो दिखा हमें, जो हार्ड वर्क बच्चे ने किया वो हमें दिखा, क्योंकि रिटर्न के बाद मैं हमेशा कहता हूँ एक्चुअल जो हार्ड वर्क है वो आपका कहाँ पर आने वाला है, नेक्स्ट स्टेज में आने वाला है, जहाँ पर SSB होने वाली है आपकी, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पर 5 दिन आपको ग्रिल करता है और आपके अंदर क्वालिटीज़ को निकाल कर रखता है और उसी के आधार पर वो आपको सेलेक्ट करता है। तो भाई जमशेद और इनका पूरा ग्रुप जो था, वो सबका सब ग्रुप पूरा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, इसमें से एक बच्चा ये आशीष, ठीक है, मानसी, 3-4 बच्चे उस बैच में जो है सेलेक्ट हुए। और उसमें एक चीज़ जमशेद की बहुत अच्छी निकल करके आई, वो ये कि इसकी कॉन्टीन्यूटी इसको सेलेक्ट करा गई। अगर हम बात करें जमशेद के, अगर कोई मुझसे पूछे जमशेद का सिलेक्शन क्यों हुआ, तो जमशेद का सिलेक्शन जमशेद की SSB के लिए जो इसकी कॉन्टीन्यूटी थी, जो इसका SSB के प्रति जो इसका डेडिकेशन था, जो डिटर्मिनेशन था, जो डिवोशन था, ठीक है, वो इस बच्चे को जो है वो फाइनल रिकमेंड करा पाया। और ये चीज़ अगर कोई भी बच्चा फॉलो करता है तो डेफिनेटली कोई भी बच्चा SSB क्रैक कर सकता है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा रिटर्न में तो एफर्ट करता है, लेकिन जैसे SSB आती है वो फिर उतना एफर्ट करना बंद कर देता है, जबकि आपको जिसका जस्ट 2x 3x मोर आपको एफर्ट करना होता है आपके SSB के दौरान, क्योंकि एक SSB आपकी नहीं, आपके पूरे खानदान के आने वाले 1-2 पीढ़ी की क्या है, आपके भविष्य फ्यूचर सब चेंज कर सकता है। जैसे आप रिकमेंड हो गए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें होती, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होता है वहाँ पर, और जमशेद ने करके दिखाया, ठीक है। नॉर्मल अभी हम जमशेद से सारी बातें करेंगे, जमशेद अपने बारे में सारी चीज़ें बताएगा। जमशेद जो फ्रॉम UP बोर्ड ना, UP बोर्ड का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा अगर क्रैक कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, इधर नहीं कि और UP बोर्ड वाले अपने आप को कतई हल्के में ना आके कि UP बोर्ड वाले हम हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। UP बोर्ड वाले ही करते हैं सबसे ज़्यादा, CBSE वाले भी करते हैं, SSC वाले भी करते हैं, लेकिन UP बोर्ड वाले भी करते हैं एज इट इज, जैसे वो वाले बच्चे करते हैं। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट की। तो जमशेद, मैं चाहता हूँ आप आएँ और बच्चों से यहाँ पर जो है इंटरेक्ट हो, अपनी पूरी जो जर्नी थी, ठीक है ना, किस तरीके से आपने जो है NDA के लिए तैयार किया, कहाँ से आए, सारी चीज़ें बच्चों को जो है थोड़ा सा शॉर्ट में बच्चों को बताएं बेटा, ठीक है ना, आइए। So good morning everyone. My name is Jamshed Alam and I recently got recommended for TS 50 from 19 SSB Prayagraj. This was my second attempt. My first attempt was for NDA 151 as I told, and I got conferenced out from second AFSB Mysore. And there was just only 1 month difference between my NDA SSB and my TS SSB. But I came to coaching, I talked to sir, I talked to general sir, I realized my mistakes, I worked upon it, bounced back and got recommended. So I am going to share my experience. So let's first start with the NDA. So I joined the coaching in September, like last year in September, as I took a drop as well. And I totally want to focus on NDA only. So I took a coaching. I took a coaching because I know that maths is very important. And I am pretty good in maths. But to clear NDA, you should have known the tricks to solve the maths.
maths is very important as well. So if you like trust the process of sir and the guidance methods and the ways, the tricks, it will definitely gonna help you, and you will able to clear the maths cutoff. But if you want to increase your the marks, you can focus on other subjects for maths you can increase it your score by solving other questions as well. And I want to tell you that practice more and focus more on mock papers, because you are solving here I think you are solving from RS Agarwal. So there are previous year questions, you are doing giving tests there, these all are previous year questions. And if you want to improve, you have to do other books as well. But I can guarantee you, if you properly follow and trust the method and process of Atul sir, you are definitely gonna crack it. Now I want you to practice more on previous year question, but focus more on mock papers as well, like mock papers from different apps there was test book. So you can focus on that, because if I tell about myself, so I am scoring around 180 to 160 in maths from previous year questions before just 15 to 20 days of my exam. But when I just 2 days before my exam, I tried mock paper from test book and I scored 107. I was literally shocked. But I realized that mock papers are very important, because there you can get new questions. So if you are scoring in mock, and I scored around 120 in NDA real exam, so the number of marks you are scoring in mock papers, they are very similar. Now talking about GAT, so in GAT the English is very important, you all know, high amount of weightage is there, and most of you I think from science background, so the science will be pretty easy for you. So the English and science, focus more on that than geography. If you are able to do these questions, and these questions will contain around 120 to 130 questions, if you are able to do 100 of them, that was more than enough. You will able to clear easily the written exam of NDA. And if you, definitely if you think you have extra time and you can study in history, polity and other subjects, you can go for that as well. Now talking about NDA SSB, so I went to secondary FSB Mysore. This was Air Force board, so more number of students come to this board as compared to the Army and Navy. So around 145 students reported there, and 65 got screened in. So in that process it was pretty easy to get screened in AFSB, because a lot of number of students came there. But I got confidence out, because I have made many mistakes in the interview, which I later realized. So that was all for NDA. Now talking about TES, so I reported 19 SSB Prayagraj on 27th of August. And the very first test is the OER test. That was about reasoning. There are basically two tests, and the question depends on what the board gives you. So there are two tests. The first mainly usually a verbal, and the second was a non-verbal. But in my case, both are mixed. The first was totally mixed, verbal and non-verbal. There are around 45 questions, and the time given to us was 25 minutes. So the OER test, I want to tell you that it was a pretty easy test, because you are from maths background then, and if you are preparing for it NDA, then it was easy. The OER test for a maths person, it was easy to solve. But the problem is there is a time duration. So in coaching, we usually every single day we usually have to practice this OER test. Around 30 questions are there, and we used to practice it in under 12 to 10 minutes. So we used to do this reasoning questions. Now talking about this second test of OER, it was this time it was a little tough, because all the questions are of cube only, so it takes a little more time. So I have able to solve 42 questions. And for tips, I want to tell you that for reasoning, you just have to know the methods to solve these things. You just have to know what type of questions came there. And if you are practice, because we practice the OER test in coaching daily, time to practice we do. So for us, it becomes easy to solve the questions. So you just have to know the method of solving this, and you will able to solve the questions. Now talking about the next test, which was PPTT. So in which a picture was shown to us, and we just have to write a story. I think you all know the procedure of SSB. So in the picture, there was a, in the background, getting the correct theme,
you just have to know the back theme of the correct for getting the correct theme, you just first have to see the background. So in my picture there was utensils and a room seems like to be a shop, and a man was sitting on a chair writing something in a book. I made a theme of a novel artist who is doing a part-time business of selling utensils. My theme was pretty good. And for a story, you should have a positive story with bold actions and doing something for the society, not for yourself. Like you definitely have to do yourself, but more for a society. Now, then the next part came, that a narration. So I can guarantee you that your narration should be very most important, because 70% of your screening depends on your narration. If you write a very good story, you have done OIR1 best and got OIR1 in both. You have done write a very good story, you participated well in the group, but you stuck in your story during narration. Then there is very less chance that you will get screened in. You should be very clear in speaking, like in the time of narration, the narration should be very fluent. You should speak very fluently and speak fluently, and the story should be very crisp, because they hardly give you 1 minute. So you just have to finish the story in 50 seconds. After that, if you have done the narration well, then definitely you will get screened in. After that, the discussion part starts. So in the discussion parts, when the last person stops this narration, the candidates don't even look for the permission of the assessors. They just start discussing, and there was a totally fish market. You just have to speak in that. But most of the candidates started to imposing their theme on others, like this should be that, the man is doing this, and whatever it is. So you don't have to do this. Speak in starting, you have to speak in starting. And if someone's theme is better than yours, support him. And then try to add in the story. You just can't stop, can't be silent at the end. If you get, talking about getting a time to speak, so you will see that at some point the whole group will be at a point of silence for 1 or 2 seconds. You have to take that time, and you have to speak at that time. And if you have able to convince, at least convince on them, on the gender, mood, age, at least convince one. If you are able to convince one or two people, then you will get screened in. That was all about screened in process. Now talking about stage 2. So the very first is the psych test, in which there was a VAT, which is a word association test. The first test is basically TAT, okay, thematic apperception test. It is very similar to the PPTT, but there is only 12 pictures. The last one is blank, and you have to write a story on all of them. You don't have to narrate it, and nor you have to discuss it. You just have to write a story. And the last picture was blank. You can write whatever you want. You can think of a theme and write the story. After that, there was a VAT, and there were 60 words. One word for 15 seconds. You have to write a sentence. The sentence should be positive, a natural sentence. You can't learn the sentence. I saw many candidates. They are already learned the sentence, and they are just writing that. So the psychologist will definitely catch it. So write a natural sentences, and you just only have 15 seconds. If you are using 5 seconds in thinking what to write, then you have only 10 seconds to write. So write very precisely. That was all about VAT. Then they come SRT, that was situation reaction test. So there will be 60 SRTs, 60 reactions, and how you are going to be react on that. It is going to be assessed. So for one SRT, you will get 30 seconds. Talking about SRT, so your SRT should be complete, it should be self-complete, and nothing should be left, and you just have to write natural things. And what you will do, if imagine yourself in the situation, and let yourself what you will do, and think about it and write it. The psych, the psych doesn't see you, and he is going to assess you with your what you write. So you have to be good at that. You have to be good in writing English as well. Now the last one is SDT, that is self-description test. So in which there are 5 questions, and basically it was all about yourself. You get a chance to express yourself on your own way. The first one is that what your parents think about you.
So you have to write what your parent thinks about you in 6 to 7 lines. And the other was what your teachers think about you, what your friend thinks about you, what you thinks about yourself. And then at last, there was one more question, is what you want to become in future. So you can ask your parents, your friends, your teachers what they think about you. I ask them and I get a very good idea of writing this. You can prepare this before, like early before the SSB, because you know what you are going to write. So it will help you, because you will get 10 to 15 minutes to write it. Then that comes the interview part. So one of the most important, because there is only 1 hour and you are getting around 300 marks, like the interviewer has 300 marks and you are getting 1 hour around. My interview has been through 45 minutes, and it was this time it was a very informal and formal talk, a normal talk. He didn't ask me about current affair, nor army, and not any technical questions, being going for a technical entry. The last time what happened is that in the NDA, my interview wasn't good, as I told you. So my interview drilled me so much, like, and I did some mistakes as well. So in the interview part, you have to speak very less. What he asked, if he asks your name, you just have to tell your name. For example, you just have to tell your name. You don't have to tell its meaning. You just have to speak very precise, and it should be self-complete. You should, like you are speaking, so you don't let the interview to ask another question on that own questions. And that is the mistake what I did in my first SSB, but I realized it later, and I didn't make it into the second SSB. He is not able to ask any like cross question as well. So in the interview, you should be very natural. If you have hobbies, write it in your PIQ form. That was a personal information questionnaire. You have to write it about yourself in this. So what's your hobby, your achievement? He will ask everything about you. You should be known about your father, your father's occupation. Totally deeply about your father's occupation, what you are doing, if you took a drop, why you took a drop. He asked me my percentage in 10th and 12th, there was a difference, so he asked me why my percentage gets a little less. So he will ask you every single question. Okay, so you should be well prepared for it. And this was all about interview. Now talking about GTO, so GTO consists of basically 2 days, the first day and the second day. The first day is the when GTO assess you. Like there were the first task, in the first day, the GTO totally assess you, what you are and how are you performing. In the second day, the GTO confirms what he assessed. So you should be very good in the first day. Like you have to be more more good in the tasks. So like after that, in the second task, he will confirm. So in the first day, the first task is the GD, that is the group discussion. So there are basically 2 GDs. The first GD is on general knowledge. So very less people will speak on that GD. Like if there is a group of 8 to 10 people, then only 4 people or 5 people will speak on that. Because there was a general topic, he will give you 2 options, you have to select one. Okay. And if you are able to speak 2 to 3 times, in the 3 to 4 times in the first GD, then your GD part is done almost. Because the first GD is more important than second one because of general knowledge. Then comes to the second GD, and the second GD, there was a current affair topic, like women's reservation, right now women's reservation, any topic is there, can be there. So everyone will start speaking on that. You have to participate on that also. These are all are about GD. Now coming to the next is GP. So in GP, you have shown a map of certain situations, and you have to write a solution, individual solution on its own. So you will be given some resources as well, and you have to write it, then later discuss it among themselves. So you in that, if you are going to be like wherever you go for the guidance, you will be you will be taught how to write the GP, because there was a proper pattern for it. You have to write the priorities, the resources, group division, and then solution. So these all are things, and then you have to discuss among yourself. And another discussion, there was a little less fish market type, because in the everyone was a little, you can say that in the screening, most of them are also getting rejected. So this time a little less fish market was there, but still a fish market was there. You have to speak for yourself. But don't tell someone to stop, don't tell someone to speak, don't try to monitor things. Okay, so now talking about JP, so the next task is the PGT.
PGT is progressive group task. So there are basically four tasks, first, second, third, and fourth. And as the name suggests, progressive, so it gets a little progressive, a little tough. And the what I have assessed there, like the third was the most difficult one. So in this, you are all are a group. You should you have you will be given some things to solve it, to make the bridges or something to solve the obstacles to go to the finish line. So you should take the lead. In the first one is very easy. Like you can easily bridge it from one obstacle to another obstacle. You just putting you just put your plank and it gets bridged. So yeah, the first it becomes a little tough to take lead in the first one. But in my case, I get the lead in the first. Even I get the lead in all the fours because I was the only repeater in my group. All others are freshers, so I get a little advantage of that as well. So in the first, it becomes a little difficult to take the lead. But later, in the second one, you can take the lead. You have to take the lead at least once if you want your recommendation. In the third one, most of them will get stuck because it will be the most difficult. So if you are able to give solutions in the third task, then you will make it. You will get into the eyes of the GTO. And if I tell about myself, so as I have the lead in both the tasks in the initiation, like for the first task, first PGT, second PGT, I have the lead. In the third PGT, I also have the lead, but I get stuck in the middle of the obstacle. I wasn't getting the idea. I used some solutions, but it didn't use. So, some of the candidates are standing out there was trying to tell me something. What I told is that if you have a better idea, you can replace me. The GTO will told you that you can replace anyone if you have a better idea. So I normally told him that if you have a better idea, you can replace me. He replaced me. I get out of it. I stand on the starting line and I looked it from there and I realized I get the idea from there. So sometime it will happen that you are not getting the idea at standing in front of the obstacle, but you will get the idea at some far behind. So from there I get the idea, I told him to do this and it gets solved. For the fourth one was a little easy, in the third one it easily gets solved. So in the PGT you should get lead at least once. That was all about PGT. After that, there was a HGT, that is known as half group task, in which your group will be divided. So in this, if you get the lead, definitely it will be very beneficial. And try to get the lead at least in every single task. The GTO is one of the most important. In every single task, you have to give some idea. You have to participate in the group. In the HGT, you have to participate. If you have, it was the same, but there is only one obstacle. So if you are able to give 2-3 ideas, then it will be enough. After that, there will be a group obstacle race. So group obstacle race is all about, there will be that much of groups, like 3-4 groups will be simultaneously standing on a ground of some 8 obstacles around, in which you have to do a race that the name suggests. It was also called as a snake race. So in the group obstacle race, you have to carry a snake, like a rolled tent was there, which was called as a snake. So you have to qualify it, but one of the most important thing is that in the group obstacle race, the GTO watches your actions, what you are doing. Are you a group person? Are you able to coordinate? Are you able to help your group members? So it is very important to help the group, to show your coordinate, to show your cooperation in them. At the same time, you shouldn't be breaking any rules, because the GTO will see that in a hurdle if you are going to break rules. So don't break rule. If you accidentally break a rule, then just accept it and improve it. It was all about group obstacle race. Then after that, the last task of the day comes, and it was the lecture. So lecture, there was 4 topics, and in which you have to select one topic and you have to speak it on around 3 minutes. You will get 3 minutes to prepare for that. So for lecture, you should be currently aware everything of about everything. And if you have a habit and if you have an ability to talk in front of a person, then you will definitely do easily the lecture. But if you want more numbers, like more markings, then you have to speak some data about that. You have to choose a good topic to speak.
Now this was all about GTO day one. Now comes the GTO day two. Now the GTO assessed you totally. Now he will select only two or three candidates. He will recommend only two or three candidates whom he will assess right now, like selected. So if you are not able to do good in the GTO one day, GTO day one, then it will be very difficult for you to be get recommended. Maybe you get recommended with by the like psychologist and the interviewer. So then there is any chance. Talking about GTO day 2, so in GTO day 2 there is individual obstacles. You just have to do some obstacle, like I think you should like already known of that, like the Burma Bridge was there, single ramp jump. There are 10 obstacles. I have done 11 obstacles. I repeated the Tiger Leap. So there were you will given be 3 minutes. You have to do 10 obstacles, and after that you can repeat. It was totally depend on individual. So you are that much of your stamina and energy you have, you can do. The next comes to the last task, that was the command task. The command task was totally depends on your performance of the day one. What you did in day one, the command task will be on that. If you have performed very well in the PGT, in the HGT, then the command task your will be very difficult. If your command task is difficult, then 100% your GTO recommended you. Okay, so very less you will see that only 2 to 3 people have tough like difficult the command task in which you will call two subordinates of your own group to help you out. You don't have to do anything. You are just gonna order them and make them do work. They are going to solve your own things, and the GTO, if the GTO sees that you are able to solve it very easily, then he will do it difficult. Like he will take out the rope, he will take out the plank, or he will make it difficult for me. He remove the one subordinate, only one subordinate will be there for me. It was all about GTO. Then the conference comes. The conference, if you are, so conference are there for only, I think, are for doubtful candidates only. If you are totally selected by all three assessors, then your conference will be around 50 to 60 seconds. He will ask you about your stay, and then he will say, okay, thank you, all the best for the results. And this is the same for totally rejected by the candidate, totally rejected by the assessor. For the doubtful candidates, he will ask some questions. Maybe if the assessor, if the psych finds you not good in the SRT, maybe he will give you some SRT. Or the interviewer didn't find you, so he will ask you some normal questions, and that the 10 to 15 minutes. If you are able to perform good, then you will get selected. Otherwise, you will get rejected. In my group, there is one person who is a doubtful case, and his conference is around 15 to 20 minutes. He got selected. This was I got into conference. My conference is around 2 minutes long, and I was asked about stay. As my name is Jamshed Alam, he asked about Jamshedji Tata. I think you have known. You know him. So he asked me about him only, and then my conference ends. So it was all about my experience, and at last I want to tell you that I want to thank the coaching faculty, because I have from which the day my result of NDA came, from that day till my SSB, I have been took guidance from this coaching. Like it was about 2 months at least. And what I am used to that time, like still I wasn't good at English, but that time I wasn't able to talk in front of a bunch of people. My legs started shivering. I'm not able to talk. But right now, by the methods of Major General Sir, I am able to do so. So I want to thank the faculty of the coaching definitely. So it was all about my experience. If you have any query, you can ask. किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो, वैसे तो डाउट से आप लोग भरे हुए हैं, पूछने का जब नंबर आता है तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी डाउट हो, रिटेन से लेके, एसएसबी से लेके, वो पूछ सकता है। पहले तो आप पूछिए। ओके, माय नेम इज प्रियांश पाटन एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एयर फोर्स राइट नाउ। यू जस्ट टोल्ड मी दैट यू हैव गिवन टू अटेम्प्ट्स व्हिच यू फेल्ड योर एनडीए अटेम्प्ट एंड नाउ यू आर बीइंग सेलेक्टेड फॉर टीईएस अटेम्प्ट। आई जस्ट वांट टू आस्क यू I took a drop after 12th, and first I just failed NDA written exam, then I took a coaching, I cleared NDA exam, I was very happy, then I been to SSB and I got conferenced out.
And that time I was get a little disheartened, but definitely if I am doing that much of effort from 1 year almost, and I have been preparing for NDA from I have been thinking for NDA from my 10th and 11th, so I have been preparing for that much of time. I can't waste it. As what I told that I came to coaching, I talked to sirs, I talked to different persons. They told me my mistakes, and I know that I will get recommended. That then I started preparing again. I realized my mistakes. I worked upon it. I only worked upon it upon my mistakes because I know where I go wrong in one attempt. You will see people there giving 14 attempts, 12 attempts in my batch only. So there will be hardcore repeaters that are going for 10 to 14 attempts just for defense. So the motivation will come that much you effort you put into. देखिए बेटा, अभी जमशेद ने जितना जो कुछ भी बताया, आपको की पॉइंट्स क्या लगे अपनी सफलता के लिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अभी क्या क्या की पॉइंट्स है? सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चे ने जो भी एक अटेम्प्ट वन ईयर यहां पे दिया ऑलमोस्ट, उसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं की पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्लास। बच्चे की क्लास बहुत कम मिस है, अटेंडेंस देख लीजिएगा आप एकेडमी को उठा के। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी सिलेक्शन के लिए, कहीं भी किसी भी चीज में अगर आपको सफलता पानी है कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूटी। किसी भी काम को छोड़कर, बर्थडे, शादी, बीमारी, कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिनमें आप फैमिली इन्वॉल्व रह के अपना कहीं ना कहीं समय, क्योंकि देखिए ये सेशन बहुत छोटे होते हैं। एनडीए जो है आपका वन ईयर में दो बार होता है, एक साल में दो बार आपका एग्जाम होता है, छोटे छोटे सेशन होते हैं। एक सेशन में तो 4 से 5 महीने का समय मिलता है, दूसरे सेशन में आपको 7 से 8 महीने का समय मिलता है, राइट। वहां पे आपकी कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने पहला एनडीए दिया, फेल हुआ, लेकिन वहां से नेगेटिव नहीं हुआ, सबसे पहले तो आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे बच्चे का क्वेश्चन था कि कैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे, आप एक फेवियोर झेलते हैं, दूसरा फेवियोर झेलते हैं, रिटर्न फेल हुए तब भी आप पॉजिटिव रहे, आगे कॉन्टिन्यूस तैयारी कर। बच्चे ने एक पॉइंट बोला कि मैंने अपनी गलतियां देखी और कहां सुधारना है। बच्चों का भी क्या होता है, फेल होने के बाद वो ये देखते हैं कि एकेडमी या टीचर ने कहां गलती करी, समझ रहे हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब आप फेल होते हैं तो आपके ब्रेन में अगर ये आता है कि हमने गलती कहां करी, तो आप सुधार करेंगे। अगर आपने ये देखा कि टीचर ने और एकेडमी ने कहां गलती करी, तो गलती जब एकेडमी या टीचर की है तो आप क्यों सुधार करेंगे, और जब आप सुधार नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन आपसे उतनी ही दूर होता जाएगा, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट टाइम फेल हुआ तब बच्चे ने अपने अंदर गलती देखी, कहां कमियां रहेंगी। एसएसबी में फेल हुआ तब भी आपने आंसर सुना कि मैंने कहां गलती करी, उन चीजों को मैंने दूर किया और 15 डेज में रिकमेंड हो गया। जिस बच्चे ने जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स कहां है वो सही पहचान लिया, सिलेक्शन उतनी जल्दी हो गया। वन ईयर मोर देन सफिशियंट है सिलेक्शन के लिए, दो अटेम्प्ट अगर आपके पास समझ अच्छी है, अदरवाइज तो बच्चे ने बताया कि 14 और 14 12 14 भी अटेम्प्ट देने वाले एसएसबी वाले रिपीटर्स, हार्डकोर रिपीटर बच्चे भी साथ में थे, लेकिन आज भी वो रिपीटर्स हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं वो अपने से ज्यादा गलती किसी दूसरे की मानते हैं अपने सिलेक्शंस के लिए, इसीलिए वो सबसे ज्यादा ट्रबल करते हैं। ये भी समझ लीजिए, आपका जो एक स्ट्रगल पार्ट है वो बढ़ जाता है वहां से, जहां से आप अपनी गलती को किसी दूसरे पे ढालना या डालना सीख जाते हैं, ठीक है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या सीखने को मिला, कॉन्टिन्यूटी। किसी भी सफलता के लिए पहला पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी आपकी है। दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट, मॉक टेस्ट, जैसे बच्चे ने कहा, या आपके क्लास में भी आपके जो टेस्ट होते हैं वो आपके जो कोई भी, जैसे मैं मैथ्स का एग्जांपल लूं, जैसे आर्यस अग्रवाल पढ़ाई जाती, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स के होते हैं 100%, ठीक है कि नहीं। आप मॉक टेस्ट दे दीजिए या आप वो टेस्ट दे दीजिए, सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे के सारे आपके डिफरेंट होंगे। मींस आप एक टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के बाद डिफरेंट टाइप के, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस में कि क्या है आपका सोचने का नजरिया, उसकी प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ड्रॉबैक बच्चे का, अगर टेस्ट सिंसियर भी नहीं देता है,
90% बच्चा सैटरडे कोशिश करता है या तो अब्सेंट कर दे या एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेशराइज करके रखा हुआ है कि सैटरडे आना मस्ट है, देन वो अगर आ भी गया तो वो सोचता है कि बबल कितनी जल्दी गोवे भरने हैं, फटाफट फिल कर दे और निकल जाए। आप समझ रहे हैं? दूसरा वो क्या है कि अगर आपने अपने टेस्ट पेपर को सिंसियरली नहीं दिया तो आपको कहीं ना कहीं फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा। रेगुलरिटी पहली चीज, दूसरी चीज क्या है, टेस्ट पेपर को सिंसियरली दीजिए। सैटरडे टेस्ट होता है, क्या सिलेबस आने वाला है आपको पहले से बताया जाता है, पूछ के रखिए, पता करके रखिए, तैयारी करके रखिए और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अपने टेस्ट को अगर आप फर्स्ट टेस्ट से सिंसियरली देते हैं तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। बच्चे की एक वीडियो आपने देखा, सितंबर वाले एनडीए रिटर्न एग्जाम से पहले बच्चे की एक वीडियो आई हुई थी जिसमें आनंद सर ने सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया हुआ था कि ये बताइए कि किस तरीके से आपका आउटपुट है। आइए सर, प्लीज आइए आइए। जय हिंद सर, सिट डाउन। एक वीडियो आया हुआ था बच्चे का जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चे से यह पूछा गया था कि कैसा रहा आपका पेपर, कैसी रही आपकी प्रिपरेशंस, कैसी रही तैयारी, जहां पर बच्चे ने अपने सारे ही व्यूज को शेयर किया था। अच्छा, पाथफाइंडर की एक और खास बात है, किसी भी बच्चे को जो भी सिलेक्ट होता है कोई भी नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं पहले से कि आपको क्या बोलना है। ये जो भी बच्चे का, जितने भी बच्चे अभी रिसेंट में सिलेक्ट हुए हैं, जिनका भी सेमिनार हुआ है, जो भी बच्चे का है वो अपना परसेप्शन है, अपने थॉट्स है, अपनी थिंकिंग है। बच्चा सामने है, आप वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जितना है वो जेन्युइन है, जो भी है जितना भी है वो सारा का सारा जेन्युइन है। ठीक है, जो भी बात है वो हर्ट से ही है बच्चे के, डायरेक्ट प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं है, प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं है, फिल्टर कहीं भी नहीं लगाए गए हैं। ठीक है कि नहीं, सारी चीजें जेन्युइन है। ठीक, बच्चे ने बताया इंग्लिश और मैथ्स, आप वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप देखिएगा, सितंबर के पहले की है, रिसेंट की एग्जाम की, जहां पे बच्चे ने मैथ्स और इंग्लिश की इंप्रूवमेंट की बात करी है कि जब मैं आया था तो इन दो पार्ट में मुझे दिक्कत लगती थी, कहीं ना कहीं आके अकेडमी से मैंने सीखा और आगे कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन करी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आप थोड़ी सी समझ अच्छी रखते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं, टेस्ट सीरीज को सिंसियर भी देते हैं, यहाँ पे जो गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करी जाती है रिटेन से लेके आपको एसएसबी तक को अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है बेटा। ठीक है कि नहीं, बच्चे ने सारी रिटेन से लेके एसएसबी तक की सारी प्रिपरेशन आपकी अकेडमी में करी हुई है, सारी चीजें सीखी। ठीक है कि नहीं, एक एनडीए रिटेन फेल हुआ, 15 दिन बाद टीएस एंट्री लगी हुई थी और अभी आप देखेंगे कि प्रॉपर सिलेक्शन वहां पे बच्चों को मिला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी समझ रखते हुए प्रिपरेशन करना है, धैर्य रखते हुए प्रिपरेशन करना है और सबसे पहली चीज, अगर आप कॉन्टिन्यूटी और रेगुलरिटी रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी आपकी अकेडमी ऑर्गेनाइजेशन और आपके अपने सब्जेक्ट के प्रति उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर आपका गैप होता है वो कहीं ना कहीं आप दूर होते हैं अपने टीचर से, अपने सब्जेक्ट से और एकेडमी से, फिर वहां पे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे नेगेटिव आना दिमाग में स्टार्ट होता है। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे, टेस्ट प्रॉपर देंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा, एज सून एज पॉसिबल मिलेगा। ठीक है बेटा, तो प्रिपरेशन करते रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और अब सर तो आप जान ही रहे हैं, कर्नल अशोक पाठक सर हैं हमारे, एसएसबी की प्रॉपर गाइडलाइन जो यहाँ पे जीटीओ पार्ट है सारा सर ही देखते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो, सर से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया गया है और अभी जो यहाँ बैठे हैं क्लास में वो तो एसएसबी कभी थोड़ा बाद में ही नंबर पड़ेगा, बट जो आपको अतुल सर अभी बता रहे थे कि इन्वॉल्वमेंट आपका और पार्टिसिपेशन और कंटिन्यूटी फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और जब आप वो कर पाते हैं तभी आप एसएसबी में, जो कि टोटल पर्सनालिटी असेसमेंट है, किस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी दिखा पाते हैं एसएसबी में, दैट काउंट करता है। इसलिए प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में होनी चाहिए और रिटन पार्ट को छोड़ के एसएसबी में आपका रिटन एलिमेंट कुछ काउंट नहीं करता है। काउंट कहाँ क्या करता है कि किस तरह से आप अपने ओन पर्सनालिटी को सबके सामने दे पाते हैं, तभी वहाँ पर तीन डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक, जीटो टेक्निक और इंटरव्यू टेक्निक, और वो सब आपकी
ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो ओएल क्यू कहते हैं हम लोग, आपके यहाँ बाहर लिस्टेड भी हैं 15, उन ओएल क्यूज को हम जज करते हैं अपने अपने दायरे से। और टोटल सिचुएशन है मंशा वाचा एंड कर्मणा, जिसमें कि आपका मंशा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, कर्मणा जीटीओ एस्पेक्ट है और वाचा इंटरव्यूइंग ऑफिसर एस्पेक्ट है। उन तीनों में आपको एग्जिबिट करना पड़ता है एसएसबी में, अलग अलग तरह के टेस्ट हैं उसमें, और उन टेस्टों को किस तरह से आप एक ग्रुप में इंडिविजुअली या लिखित पोर्शन में आप दे पा रहे हैं, और जो कुछ आपने लिखा होता है, जो कुछ बोला होता है, जो कुछ किया होता है, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में और आपको जज करते हैं। आपका पावर एक्सप्रेशन जो बोथ वर्बल और रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नहीं अच्छे काबिलियत हासिल रखते हैं उसमें, तो फिर आप लोग अपनी चीज़ बता नहीं पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना बोलते हुए कर पाएंगे। तो पावर एक्सप्रेशन चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या मिक्स हो, जिसको हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो जो आप लोग यहाँ सिखलाई कर रहे हैं, आपके इंग्लिश की क्लासेस भी होती होंगी, उसमें आप कोशिश करो कि बोथ स्पोकन और वर्बल बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी जो आपकी रिटन क्लास, जैसे मैथ्स की क्लास लेते हैं, जनरल स्टडीज़ की क्लास लेते हैं, इंग्लिश की क्लास लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम तो पास करना ही है। और एनडीए का रिटन एग्ज़ाम यूनिवर्सली सालों से बहुत इजी एग्ज़ाम नहीं समझा जाता है। आप लोग ग्रेजुएशन कर लो, उसके पहले 12 क्लास कर लो और हायर स्टडीज़ कर लो, वो फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ईजी है, लेकिन एनडीए एग्ज़ाम का कुछ इस तरह का फीलिंग है और इस तरह का नोशन बना हुआ है कि वो कभी कभी इन एग्ज़ाम से भी डिफ़िकल्ट है, बट कोई इम्पॉसिबल नहीं है, वेरी मच प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है। और एसएसबी भी कोई हवा नहीं है, एसएसबी बहुत सिंपल कॉमन सेंस टेस्ट होते हैं, केवल आपको अप्लाई करना पड़ता है अपने को। अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है वहाँ। ऑनली थिंग इज स्पॉन्टेनिटी और विट्स अबाउट योर सेल्फ, जो अंग्रेजी में कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को वहाँ रखना है, अपने इन्वायरमेंट को देखना है, आपके साथ जो कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे कैसे मैं बेहतर कर सकूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जैसे ग्रुप टेस्टिंग की बात करता हूँ मैं, एक पूरा ग्रुप को टास्क दिया जाता है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, पूरे ग्रुप को जाना है, कोई रिसोर्स आपको दिया गया है, उस ग्रुप को आपको पूरे को लेके जाना है, केवल आपको अकेले नहीं चले जाना है। तो इस केस में सेल्फिशनेस पीछे छोड़ के सबके साथ कोऑपरेशन करके आप उस चीज़ को अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही बेहतर रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अकेडमी जो यहाँ पर है, इतने सारे ये बच्चा भी जो यहाँ बैठा है, इसमें भी थोड़ा क्रेडिट मैं भी लेना चाहूँगा कि इसने भी मेरी कुछ क्लासेस अटेंड करी हैं और आपकी क्लासेस तो बहुत ज़्यादा की होंगी क्योंकि ये इसी अकेडमी से निकला हुआ है। बट द फैक्ट इज़ कोई भी इंस्ट्रक्टर को, कोई भी टीचर को बड़ी खुशी होती है कि उसका स्टूडेंट जब इस तरह की चीज़ें क्वालिफाई करता है, पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो मेहनत टीचर्स ने की है उसका फल निकला, बच्चे को तो अच्छा लगता ही है, उसके पेरेंट्स को तो अच्छा लगता है, लेकिन टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। और उसके बाद वो एसएससी भी क्वालिफाई कर लेता है और फिर मेरिट में आके एकेडमी ज्वाइन कर लेता है। इंसिडेंटली आज पता नहीं क्या मन किया कि मैं एनडीए की वो पहन के आ गया, ये जो मैंने पहनी हुई है समाओ, ऐसी मन किया घर में थी, मैंने कहा चलो आज ये पहन लेते। तो ये भी इसको भी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन ही आप समझिए कि मैं 37 साल नौकरी कर ली फौज में और रिटायर हुए भी मेरे को 8-10 साल हो गए हैं, उसके बाद भी अभी तक मेरा सो कॉल्ड एसोसिएशन एनडीए के साथ है। सो वो भी एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट में काउंट करता है। तो मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों ने किसके बैकग्राउंड के होंगे, फौजी बैकग्राउंड के शायद कमी होंगे यहाँ पर, इसके बावजूद भी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम एक डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन में हम जाना चाहें, इस वजह से हम एनडीए के लिए अप्लाई करें या और कोई एवेन्यूज हैं उसके थ्रू अप्लाई करें, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और इस तरह की एकेडमी जो यहाँ पर लखनऊ में है, जिसमें पाथफाइंडर बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है और काफ़ी अच्छी एकेडमी समझी जाती है, सिलेक्शन रेट से, फैकल्टी के यहाँ पर परफॉर्मेंस से, उनके स्टैंडर्ड से, तो उसमें आप शामिल हो रखे हैं तो उसका भरपूर उपयोग करिए, फ़ायदा उठाइए और
अपने को तो क्वालिफाई कराई है जिससे आपकी ज़िंदगी बने और साथ साथ पाथफाइंडर्स का भी नाम उसी हिसाब से ऊंचा हो। इतना ही कहना चाहूँगा और एक बार और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग दिल होकर काम करिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। ओके, वेल डन। ओके सर, सी यू, बाय।